अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। तस्वीरें थी जो काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। मैं चाहती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठी, नाश्ता नहीं किया है, अन्नम बना दिया है। कुछ लोगों ने पैसों के लिए हमारे देश के हजारों जवान शहीद करवा दिए, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा था मुझे। तो मैंने है, हमारे जो सर हैं उनसे 20 इयर्स से जुड़े हुए हैं, बताना चाहते हैं 20 इयर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंचन्स ब्लॉग। तो हे गाइस, मैं जा रही हूँ म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम क्यों जा रही हूँ मैं बताती हूँ। और मैं अपनी फिल्म के सेंसर के लिए मुंबई सेंट्रल आई हुई हूँ, तो अभी हम म्यूज़ियम जाते हैं, वहाँ पे दिखलाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मैं म्यूज़ियम के गेट पे पहुँच चुकी हूँ। एंट्री गेट, एंट्री होती है यहाँ से म्यूज़ियम की, बहुत ही प्यारा है, बाहर से दिखने में बहुत एट्रैक्टिव दिख रहा था, तो मेरे को मैंने बोला क्यों ना हम अंदर जाके देखें। और एकदम वाइट वाइट कलर है तो फिर और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये है जहाँ पे म्यूज़ियम शुरू होता है, और देख सकते हैं जब बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत है। जो ये म्यूज़ियम के बारे में नहीं जानते हैं, श्योर इस म्यूज़ियम के बारे में जाने, और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। अपना पास जो है, अपने पास में, हमारे पास में क्या क्या हुआ है, कैसे इंडिया में आविष्कार हुआ है चीज़ों का, तो इसमें सारी चीज़ें दिखलाई गई हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप ज़रूर जाकर देख सकते हो। मैं म्यूज़ियम में आ चुकी हूँ और खाती हूँ मैं। जाऊँ मैं म्यूज़ियम फर्स्ट फ्लोर? ओके, थैंक यू। तो मैं म्यूज़ियम में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, मैं मेरी फिल्म के सेंसर के लिए यहाँ पर आई थी, और मुझे बाहर से ये बहुत अट्रैक्टिव दिखा तो जस्ट बस आ गई मैं। और अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर, पहले म्यूज़ियम देखते हैं फिर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से, तस्वीरों से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सर मना कर रहे थे कि प्लीज़ मैम यहाँ पे शूट मत करिए, शूट अलाउ नहीं है, तो मैंने नहीं किया। और यहाँ से देखिए सर मना कर रहे हैं, वहाँ से हाथ दिखला करके मैम परमिशन लेना पड़ेगा। ओके जी जी, देन अभी हैं वो। ओके ओके, पर मैं थोड़ा थोड़ा चोरी मुझे बहुत ज़्यादा कर पाई, और उसमें मुझे आकर फिर सर ने पीछे से बोले कि प्लीज़ मैम मैंने आपको मना किया है तो मत करिए। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर पाऊँ, और फिर लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ।
फिर एक कॉन्स्टेबल मेरे साथ ही साथ थे, सारी चीजों के बारे में डायरेक्शन दे रहे थे, बता रहे थे कि ये है, यहाँ से ये चीज़ें हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे। फिर मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, यहाँ पे मतलब सीनरी एंड तस्वीरें थी जो काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, तो फिर इनका बस मैं शूट कर पाई और कुछ भी नहीं, क्या बताऊँ, ऊपर पूरा अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी गाइज। बट मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कभी जाऊँगी वहाँ परमिशन लेकर, तो मैं ज़रूर शूट करके आपको ज़रूर दिखलाऊँगी गाइज। म्यूजियम ऑफिस, सॉरी सेंसर ऑफिस है गाइस, ये देखिए, हाँ ये सेंसर ऑफिस है, यहाँ पे मेरी फिल्म सेंसर पे है। और ये मैम है यहाँ की, बैठी हुई है, नाश्ता कर रही हैं। खाइए, नहीं नहीं खाइए खाइए, वो पूछ रही थी कि आपको खाना है, तो मैंने बोला नो नो थैंक्स, क्योंकि मैं इतना ज़ुबान मेरी लड़खड़ा के हो रही है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, जिसमें मैंने कोई नाश्ता नहीं किया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8:30-9 बजे यहाँ आ गई हूँ, जब से मैं अभी तक कुछ नहीं खाई पी हूँ, तो थोड़ा ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है, ऐसा कुछ गाइड मत करिएगा मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो अभी चलते हैं सेंसर ऑफिस, एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, हुई या नहीं हुई फिल्म। भैया पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो आप? मैडम मैंने बोला नीचे जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ से नीचे जा सकते हैं सेंसर के लिए, और देखते हैं चलिए। और यहाँ पे क्लीनिंग भी हो रहा है, देख सकते हैं इतना क्लीन होने के बाद भी ये सारे कर्मचारी क्लीन कर रहे हैं, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही फील आता है। यहाँ से जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, आप जितनी भी फिल्में देखते हैं, यहाँ से ही पूरी मतलब कि सेंसर होती है, और यहाँ से ही परमिशन मिलता है कि आप इसे रिलीज़ कर सकते हो या नहीं। तो ये देखिए, तो फिलहाल चलते हैं। और यहाँ पे कैंटीन भी है, जैसे कि आप देख सकते हो कोई सेंसर के लिए आया हुआ है और कुछ खा कर नहीं आया, तो यहाँ पे कैंटीन भी है, यहाँ पे से खा पी सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो चलो नीचे चलते हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है गाइस। वादियों को जहन्नम बना दिया है, कुछ लोगों ने पैसों के लिए हमारे देश के हजारों जवान शहीद करवा दिए, इन वादियों में आज तो हद ही कर दिया।
नगर पहाड़ते नदी चरण पहाड़ते तो आप जब सेंसर ऑफिस आते हो फिल्म सेंसर कराने के लिए तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारी फिल्म्स लगी रहती हैं जो मतलब कि वैसी फिल्म्स होती हैं नॉलेज वाली, ऐसे फालतू वाली फिल्म्स नहीं होती हैं, काफ़ी अच्छी फिल्म्स होती हैं। तो ये सब तारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह, ये सारी फिल्म्स लगी होती हैं, मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये सब भी शूट कर लिया और मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था, एट्रैक्टिव दिख रहा था। तो मैंने बोला चलो ये सब भी शूट करके मैं आप सबको दिखलाती हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि तारे और चंद्रमा ज़मीन में उतर आए हों। और ये देखिए, ये सब ग्रहों के बारे में यहाँ पे दिखलाया गया है और सेंसर ऑफिस में ऐसी ही फिल्म्स लगती हैं गाइस। और ये जो है हमारे जो सर हैं उनसे 20 इयर्स से जुड़े हुए हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये सर से पहले बात करेंगे कि ये अपना क्या बताना चाहते हैं, 20 इयर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा ये सर जी के साथ हमारे। विजय जी के साथ 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी पहली हिंदी फिल्म, उसके बाद में पंजाबी फिल्म दो तीन बनी, सब सेंसर वर्क मैंने किया। प्लस उसके साथ असिस्टेंट भी रहा हूँ, पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही था, अब सेंसर में आ गया हूँ क्योंकि अभी साथ नहीं देती उसके लिए सेंसर का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब आपकी बॉडी साथ नहीं देती इसलिए। ओके, अभी भागदौड़ नहीं होती। जी जी, काफी ज्यादा। ओके, क्योंकि मैं भी असिस्टेंट हूँ तो मुझे भी पता है कितनी भाग दौड़ होती है। जी, अच्छा, तो मतलब आपने काफी टाइम से इसमें जुड़े रहे हैं। ओह, वेरी गुड। ओके, मिला है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिल्म लाइन से ही मिली हुई है। अच्छा, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा फिर तो आपका। चलिए, थैंक यू सर। तो फाइनली गाइज, मैं म्यूजियम से निकल चुकी हूँ और मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो अभी मैं अपने सेंसर बोर्ड ऑफिस जा रही हूँ जहाँ मेरी फिल्म सेंसर पे है। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से मैं एक बहुत अच्छा सा व्यू दिखलाती हूँ, बहुत इमेजिन लगेगा। क्योंकि मैं जो म्यूज़ियम में गई और उस म्यूज़ियम के कुछ क्लिपिंग मैंने लिए हैं जो कि मैं श्योर व्लॉग में दिखलाऊंगी और आप सभी देखेंगे। तो गाइस, जिसे भी ये व्लॉग अच्छा लगे मेरे को कमेंट्स करें
बताएं कि मैं ऐसे ही कुछ और भी व्लॉग शूट करूं क्या आप सबके लिए। और जिसने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।